हमारी विजन क्या है, जो मैं आपको चाहता हूं कि जो प्रमोट आपने करना है, पाकिस्तान की विजन करनी है। ये बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान। तो क्या विजन है पाकिस्तान की, क्यों बना था हमने? अगर ये हिंदुस्तान में भी जिन मुसलमानों ने रह जाना था, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया, यूपी और ये इन लोगों ने, तो इनको तो पता था कि ये पाकिस्तान में नहीं का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया। क्यों किया? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का कि हम एक वो मुल्क बनाएंगे जो एक मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी, वो क्या है रियासत? तो आपको जो मैं चाहता हूँ जो आप प्रमोट करें, जो हमारी विजन है पाकिस्तान की, बड़ी यूनिक विजन है हमारी विजन। सबसे पहले कि जो इस्लामी रियासत खुददार होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी के सामने झुकती नहीं है, कोई किसी के सामने झुकना शिर्क है हमारे दीन में, सो खुददार कौम होती है, और इंशाल्लाह हम उस तरफ निकले हुए हैं। दूसरी चीज़ कि जो इस्लामी रियासत उसमें इंसानियत होती है। अभी किसी उसने कहा कि मैं एहसास प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। एहसास का मतलब क्या है? एक इंसानी माशरे की और एक जानवरों के माशरे के अंदर फ़र्क है ही एक, कि इंसानी माशरे में एहसास होता है, इंसानियत होती है, वो कमज़ोर की फ़िक्र करते हैं। जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कमज़ोर भूखा मर जाता है। तो इंसानी माशरा जो हमने बनना था, जो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान बना क्यों था, खुददार कौम, एक इंसानियत वाला माशरा। पहली दफ़ा आप हैरान होंगे कि डेवलप्ड मुल्कों में वो नहीं हुआ जो अब हम करने जा रहे हैं। पख्तूनख्वा के अंदर हर फैमिली के पास आज हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है। 10 लाख रुपए का एक गरीब घराना किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। जो 1947 में शुरू होना चाहिए था सफ़र, वो अब शुरू हो रहा है। और फिर तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंसाफ। कोई माशरा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आगे तरक्की नहीं कर सकता, ये ज़हन में डाल लें।